हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आप यूएसबी बूटेबल कैसे बना सकते हैं। आजकल तो डीवीडी यूज नहीं कर सकते क्योंकि विंडोज 10 का आईएसओ फाइल 4.7 जीबी से ज्यादा है, तो आपको अभी बूटेबल यूएसबी से विंडोज इंस्टॉल करना होगा या फिर सी ड्राइव फॉर्मेट करना होगा। तो अभी आपको इसलिए यूएसबी या पेन ड्राइव कैसे बूटेबल करना है उस प्रोसेस तो को आपको आना ही होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, पहला है विंडोज 10 आईएसओ फाइल और एक सॉफ्टवेयर है रूफोस। आप विंडोज 7, विंडोज 8.1, एक्सपी कोई भी यूएसबी बूटेबल कर सकते हैं। तो मैं पहले एक वीडियो में आपको बता ही दिया था कि विंडोज 10 कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। आप क्रोम में जाइए और डाउनलोड विंडोज 10 सर्च की दीजिए, उसके बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ में अपडेट ना ऐसे मतलब इंस्टॉलेशन मीडिया यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, जहां पर आपके खाली स्पेस है वहां में राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में। उसके बाद इस बटन पे टॉगल डिवाइस टूलबार में एक बार क्लिक करेंगे, फिर पेज को रिलोड कर देंगे। रीलोड करने के बाद इस पेज को मतलब जो इंस्पेक्ट हम लोग खोले थे ना उसको हम बंद कर देंगे। अभी नीचे आएंगे, फिर एडिशन चूज करेंगे विंडोज 10, फिर कॉन्फर्म, फिर प्रोडक्ट लैंग्वेज चूज करेंगे, हम लोग इंग्लिश इंटरनेशनल करेंगे क्योंकि इंग्लिश जो सिर्फ इंग्लिश है वो यूके के लिए है और इंग्लिश इंटरनेशनल यूके के बाहर जितना भी कंट्रीज है उसके लिए है। उसके बाद हम लोग कॉन्फर्म में दबा देंगे, फिर हम लोग 64 बिट डाउनलोड करेंगे क्योंकि 64 बिट 32 बिट से ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग क्लिक कर देंगे। आप देख लीजिए कि आपका विंडोज 64 बिट है या 32 बिट है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 64 बिट ही इंस्टॉल कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट डाउनलोड मारेंगे तो ऐसे आपका विंडोज 10 डाउनलोड हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसका नाम है रूफोस, RUFOS। उसको सर्च करेंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव्स द इजी वे। तो हम लोग नीचे आएंगे और सबसे लेटेस्ट वाला जो है 1.1 MB रूफोस वही क्लिक करेंगे, एकदम पहला वाला, इसमें क्लिक करेंगे फिर डाउनलोड करने के। मैं IDM यूज कर रहा हूँ और डाउनलोड हो गया। इसको मैं सॉफ्टवेयर के फोल्डर में ले जाता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर जहाँ है यहाँ में रूफोस मेरा ओल्डर वर्जन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और लेटेस्ट वर्जन पेस्ट कर देता हूँ। अभी आपका ब्राउजर का काम हो गया क्योंकि मेरा ऑलरेडी विंडोज 10 है मेरे पास में और अभी रूफोस भी डाउनलोड हो चुका है। फिर आप अपना पेन ड्राइव डाल लीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर में, मैं भी डाल लेता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, रूफोस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, उसके बाद उसके बाद हम लोग और आपका मिनिमम 8 GB पेन ड्राइव होना चाहिए या यूएसबी ड्राइव, ये याद रखिए। मेरा यूएसबी दिखा रहा है 16 GB। हम लोग आईएसओ फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरा है डी सॉफ्टवेयर्स में, फिर विंडोज 10, ये रहा मेरा आईएसओ फाइल, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ में हम लोग अभी एक चीज़ है, यहाँ में पहले आप डाल लीजिए विंडोज 10 ऑल वर्जन, फिर आपका दो ऑप्शन है GPT या MBR। आप अपने PC में देख लीजिए कि आपका
विंडोज जीपीटी फॉर्मेट का है एमबीआर, उसको देखने के लिए हम लोग स्टार्ट मेनू में राइट क्लिक करेंगे, फिर हम लोग डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। उसके बाद थोड़ा रुकिए, फिर जहाँ पे डिस्क जीरो है, डिस्क वन तो मेरा पेन ड्राइव है और डिस्क जीरो मेरा हार्ड ड्राइव है लैपटॉप का, तो इस डिस्क जीरो में आके राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर हम लोग वॉल्यूम्स में जाएंगे। यहाँ में आपको दिखा देगा कि आपका जीपीटी है या एमबीआर, मेरा यहाँ में अभी जीपीटी है, तो मैं जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में विंडोज बूट करूंगा। अगर आपका यहाँ में एमबीआर है तो आप एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में बूट करेंगे। तो अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, तो मैं यहाँ में जीपीटी मेरा सिलेक्टेड है, ये ऑटोमेटिक है, कुछ छेड़खानी करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग, और ये देखिए इमेज ऑप्शन में स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर ओके दबाएंगे, फिर ये खुद ब खुद ये प्रोसेस 100% होते हुए होने के लिए दीजिए। फिर आपका विंडोज मतलब विंडोज सॉरी आपका पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। तो देखते रहिए, अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, आप अपने आप विंडोज बूट कर सकते हैं अपने यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव में। तो देखते रहिए, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 10-15 मिनट लग चाहिए, तो देखते रहिए इसको। थोड़ा टाइम ले सकता है, 10-15 मिनट, तो आप वेट कीजिए, ये कंप्लीट जब तक हो नहीं जाता। कभी कभी ऐसे रुक भी सकते हैं बीच में, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये प्रोसेस हो रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो देखते रहिए, और देखिए आप 25% हो ही चुका है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका 100% हो जाएगा। तो देखते रहिए ये प्रोसेस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ। पहले तो बहुत इजी था, पहले आपको डीवीडी मिल जाता था आपका विंडोज आईएसओ का, फिर उससे आप विंडोज इंस्टॉल करते थे या सीडी फॉर्मेट करते थे। आजकल डीवीडी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईएसओ का फाइल बड़ा हो गया है, तो इस प्रोसेस को सीखना आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए, अभी 35% हो ही चुका है, तो 60% हो ही चुका है, आप देखते रहिए पूरा, जब तक कंप्लीट नहीं होता आपको थोड़ा रुकना होगा। तो देखते रहिए क्या होता है, क्या मतलब 100% कब होता है देखते हैं। अभी 95% हो ही चुका है, 100% हो ही जाएगा। उसके बाद और एक प्रोसेस है जो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, तो वीडियो बिगिनिंग से लास्ट तक देखते रहिए। तो 100% होने के लिए थोड़ा ही समय बचा है, तो देखते रहिए। यहाँ में थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ में भी प्रोसेस होता है, तो देखते रहिए, 100% होने वाला है अभी। यहाँ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
तो आगे बढ़ रहा है, 97% हो चुका है, देखते रहिए। और नीचे देखिए ये प्रोसेस दिखा रहा है क्या क्या मतलब कॉपी हो रहा है, तो देखते रहिए। लास्ट 5 to 10% ज़्यादा टाइम लेता है, तो देखते रहिए अभी 100% हो ही जाएगा। देखिए 99.4% हो ही चुका है, तो थोड़ा टाइम ही बचा है। देखिए ये हमें हो ही चुका है, ये देखिए ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपका अपने जीपीटी ऑप्शन से अगर आपने बूट किया है तो देखिए, वी हैव जस्ट क्रिएटेड मीडिया यूजेस, ये आप पढ़ लीजिए। अगर आप जीपीटी से मतलब यूएसबी बूटेबल बनाते हैं तो आप अपने बायोस में जाके सिक्योर बूट डिजेबल करना होता है, तो इसे हम क्लोज कर देंगे। अभी आपको एक प्रोसेस करना है, तो वो प्रोसेस क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर विंडोज 10 फोल्डर को खोलेंगे और एक फाइल है ei.cfg, इसको आपको कॉपी करना है अपने पेन ड्राइव या यूएसबी ड्राइव में, क्योंकि इसको कॉपी करने से ही आपका विंडोज का डिफरेंट वर्जन आप सिलेक्ट कर पाएंगे जब आप इंस्टॉल करेंगे, कि विंडोज 10 होम हो, प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल मतलब प्रो या एडुकेशन। अगर आप इस फाइल को कॉपी नहीं करेंगे तो आपका डायरेक्ट विंडोज 10 होम इंस्टॉल हो जाएगा अपने लैपटॉप या पीसी में। तो आप और जानते ही है कि विंडोज 10 प्रो सबसे अच्छा है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे अपने यूएसबी में। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, गूगल ड्राइव लिंक नीचे। और फिर हम लोग विंडोज ये खोलेंगे पेन ड्राइव को, फिर हम लोग सोर्सेस में जाएंगे, सोर्सेस में जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। फिर सिर्फ सोर्सेस में ही पेस्ट कीजिए, बाकी किसी में भी मत कीजिए। फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, तो आपका यूएसबी बूटेबल हो गया है कंप्लीट। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो दिखाने के लिए मैं एक बार मैं अपना पेन ड्राइव खोल लिया, अभी मैं फिर से लगा रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे कि विंडोज का लोगो आ गया है माई कंप्यूटर में। देखिए ये लोगो आ गया है, तो ये बूटेबल हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो कैसा लगा, और नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू।